अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो भाई मैं बहुत दिन से सुन रहा था, दो तीन दिन से सुन रहा था कि एक बिरयानी है भाई, दो नंबर है, बहुत मशहूर है, खा के देखो, काफ़ी मज़े की होती है। तो दो तीन दोस्तों ने बताया, जो मोहल्ले में मिले उन्होंने बताया। मैंने कहा भाई इतना बोल रहे हैं तो चल के देख के आते हैं, खा के आते हैं क्या सीन है। तो मैं आया हूँ दो नंबर में। किधर आया हूँ भाई? मिर्ज़ापुर तो सबने देखी होगी, मिर्ज़ापुर में था मुन्ना भैया, तो यही है मुन्ना बिरयानी। तो मैं आ जाया हूँ मुन्ना बिरयानी की बिरयानी खाने। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी होती है, इनके पास तय वाली या बगैर तय वाली, और क्या पैसे हैं, क्या प्राइस वगैरह है, वो भी देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। तो चलते हैं और देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। भजन क्या हाल है अपने? भजन, ये अपने होटल का नाम वाम थोड़ा बताइएगा। कलंदरी। तो भजन, ये मुन्ना भैया लोग क्यों कहते इतने शौक से? मुन्ना भाई इसलिए कहते हैं सर, हमारे वालिद साहब जो है ना वो ठेले पे लगाया करते थे, मुन्ना भाई मशहूर है वो। असल नाम कलंदरी है, तो वालिद साहब को मुन्ना भाई कहते थे। अच्छा, सही। तो भजन जी, अपने खुलने की सर अपने टाइमिंग है 1:15 बजे की खुलने की। और सर रात को बंद होने की हालत अभी कराती की तरफ है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, जैसा कारोबार होता है उस हिसाब से लेके चलते हैं। सही सही भजन, तो अपने पास आइटम क्या क्या है? आइटम सर अपने पास होते हैं बिरयानी है, कबाब है, और बिरयानी कबाब रायता होता है। अच्छा, बिरयानी दोनों है, बीफ और चिकन? सर बीफ जो है ना अपनी 4 दिन बीफ चलती है। 4 दिन बीफ? अच्छा, 2 दिन चिकन, 2 दिन चिकन। तो चिकन की क्या रेट है? सही, चिकन के रेट सर 90 रुपये पाव। चिकन 90 रुपये पाव, 360 रुपये किलो। सही, और बीफ 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव बीफ? अच्छा, 400 रुपये किलो। सही, पीर और मंगल चिकन होती है? मंगल और बुध चिकन, चिकन और बाकी दिन भी। सही, तो बाकी चीज़ें तो आम दिन रूटीन में होती है बिरयानी के अलावा, जैसे कौरमा वगैरह हो गया। कौरमा होता है बीफ का? बीफ का सर कभी कबाब होता है कि वो शाल हो जाता है तो नहीं लगाते हैं कौरमा। अच्छा, सही सही सही। तो काफ़ी तारीफ सुनिए भजन, तो क्या बात है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं खाने के लिए? सर ये हमारे वालिद साहब का जो है तरक लगाया हुआ है। सही बात है, सही बात है, बहुत शुक्रिया भजन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू हो गया, अब खा के देखते हैं क्या सीन है, और अभी देखता हूँ कौन सी बिरयानी कौन सी नहीं, बीफ की है चिकन की, और फिर खा के रिव्यू देता हूँ कि कैसा लगा कैसा नहीं। एक मिनट है, बिरयानी टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कैसी है कैसी नहीं। आज चिकन की मिली है क्योंकि आज चिकन का डे था, तो अभी बताता हूँ। करीब तय वाली नहीं है, दूसरी वाली बिरयानी है, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब मिर्चें ज़्यादा नहीं है, मिर्चें बहुत नॉर्मल है, और बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं आराम से, आजकल जो लोग बहुत मिर्चें डाल रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और चिकन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रेश है, जिससे भी यहाँ का सुना था भाई, सही सुना था, बिरयानी काफ़ी अच्छी है। आओ तो यहाँ ज़रूर ट्राई करो बिरयानी। और टाइमिंग इनकी सुबह की बैठने की है, लेकिन रात की नहीं, क्योंकि ये कहते हैं जब ख़त्म हो जाए हम बंद कर देते हैं, अगर रात तक रहती रात तक खुला रहता है। दूसरी बात, ऑर्डर भी बनाते हैं, अगर कभी किसी को बनवाना हो तो इनकी दुकान है लतीफाबाद 2 नंबर में, मदनी मस्जिद के बाद दुकान है इनकी, तो वहाँ आके ऑर्डर दे सकते हैं या बात कर सकते हैं खुद ही। बिरयानी काफ़ी मज़ेदार, स्पाइसी भी है, स्पाइसी इतनी नहीं है, चटपटी है। पाकिस्तान में लोग किसी चीज़ से शौकीन नहीं है सिर्फ बिरयानी के अलावा, हज़ार तरह की बिरयानी हो फिर भी पाकिस्तानी पहले बिरयानी खाएगा। हैदराबाद
हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद, हाँ भाई ये हैदराबादी बिरयानी कहलाती है, भाई ने याद दिलाया। मशहूर बिरयानी कराची तो ज़्यादातर तय वाली होती है, यहाँ पर भाई ये बगैर तय वाली होती है। ये भाई है मेरे साथ हुनर यहाँ के, तो ये बस ये हैदराबादी बिरयानी कहलाती है भाई, सही कह रहे हैं। और कराची में तो तय वाली मिलती है, यहाँ वहाँ नहीं मिलती रहती है ना, सही बात। वही तो यार बिरयानी खा लिए, काफ़ी मज़ेदार थी और रेटिंग में दूंगा 10 out of 8। तो चिकन की थी चिकन काफ़ी अच्छी थी, और भाई ने प्राइस वगैरह बता दिए, टाइमिंग भी सभी कुछ बता दिया है। तो आज के ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बाकी कोरमा किसी और दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि यार कोरमे का भूख नहीं हो रहा उठी कभी कभी, बिरयानी खा ली तो दिल नहीं कर रहा। और भाई के पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं पीला क्योंकि यार गला पकड़ लेते फिर तबियत ख़राब हो जाती, मज़ा नहीं आता फिर। तो आज चलो अगर यहीं ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।